दुनिया की बात करूं तो बचपन से ही लेकर के मेरे लिए तो रिया नहीं बल्कि लक्ष्मी रिया है। बचपन से उसके गुण पूरे परिवार को काफ़ी अच्छे लगते हैं और हमसे प्यार भी बहुत करती है और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जब से लक्ष्मी रिया आई है तब से हम निहाल हो गए हैं। जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा ही चलती है और अच्छे से सब कर लेती है और हमारे लिए तो बहुत भाग्यशाली भी है और बहुत बढ़िया है। जैसे कि हमको पता चला कि हमारी लक्ष्मी रिया बड़ी हो गई है और लड़की शादी के लायक हो गई है तब हम थोड़ा नर्वस हो गए। नर्वस होने का रीज़न यही है कि बोलते हैं कि लड़की हमेशा पराई धन होती है, तो हमको ऐसा लगा कि हमारी लड़की है वो पराई हो जाएगी और हम ये चाहेंगे कि जैसे कि हमारी लक्ष्मी रिया ने हमें निहाल किया है वैसे ही वह अपने ससुराल को भी निहाल कर दें। बस हम यही चाहेंगे कि आपस में जहाँ भी हमारी लक्ष्मी रिया जाएगी हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल होना जाना तू साथी उड़ता सा बादल होना जाना धागा ये टूटे ना ये धागा। उस समय रोना आ रहा था कि कोई आ गया मतलब उसको ले जाने के लिए वो जाने तो मैं कैसे रहूँगा मतलब ऐसे सब आ रहे थे सब थॉट्स। हर छोटी छोटी चीज मुझे बता रहा है आके कि नहीं दीदी आज ये हुआ आज वो हुआ अब मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है मुझे सॉल्यूशन कर के दे पर अभी बताएगा फोन पे इसके बिना ऐसे जीऊंगा इसके बिना कभी लाइफ सोची नहीं आगे कैसे दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी जाना ये लेकिन देर से जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा होना जाना तू साथी उड़ता सा बादल होना जाना मैं बोलती जाती हूँ भले मैं गुस्से में बोलूँ वो सुनते रहते हैं कि नहीं बोलने दो उसको निकालने दो अपने मन के तो वो बोलते हैं कि ठीक है ऐसा है सॉल्यूशन कर देते हैं हम लोग ऐसा कुछ नहीं।
कभी वो बोलते हैं, कभी मैं बोलती हूँ, ऐसे हमारे बीच में फाइट होती रहती है। और दो ख्वाब थे हम, एक आज है, दिल की दुआ है हम साथ हैं, जो तुम और हम हैं अब हम। सॉरी तो कोई भी नहीं बोलता हम दोनों में से। फनी मोमेंट्स बहुत है, जैसे मैं छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हूँ या गुस्सा हो जाती हूँ तो उनको हंसी आती है कि नहीं, कि मतलब क्यों कर रही है, फिर मनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं, तो हंसते हैं। वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है, मेरी लाइफ में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। प्यार भी बहुत दिया है और हर एक चीज का उन्होंने ध्यान रखा है कि नहीं रिया को ये चाहिए होगा, रिया को वो चाहिए, रिया अभी क्या कर रही है, उन्होंने मुझे बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने बहुत हैप्पी रहे, हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे और ठीक रहे, उनकी तबीयत भी ठीक रहे। मुझे देख के पर्टिकुलरली बहुत खुश होते हैं, देखते हैं कि नहीं मेरी बेटी खुश है, हैप्पी है, तो वो खुश है ऐसा बोलते हैं। पर मैं ऐसा है कि वो खुश रहेंगे तो मैं हैप्पी रहूंगी।